बॉयज वेलकम टू तकीदे गेमर YouTube चैनल चैनल और तकी भाई के चैनल पे आप सबको हैवी किस्म का वेलकम हो गया तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तकी फैमिली को ज्वाइन कर लो ठीक है तकी फैमिली को ज्वाइन कर लो भाई जल्दी से जो है ना हमने भाई इन शाह वन मिलियन कम्पलीट करने हैं इसी साल के अंदर अंदर ठीक है चलो अभी फिलहाल निकलते हैं और बॉयज़ कैसे हो तुम सब अपनी तबीयत सबीयत तो और भाई अपने जरा जो है ना सेहत वग़ैरह जो है ना सारा कुछ वो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम सबने बताना है बॉस के ऑफिस से निकल रहा हूं बॉस लगता अब तो बहुत अच्छा है भाई बॉस बनना बहुत इजी है लेकिन बॉयज अभी दो तीन मसले आ चुके हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ ठीक है भाई सबसे पहला मसला जो सबसे पहला मसला है ना वो बॉयज फिलहाल ये है कि अभी इस टाइम जो है ना बॉयज वो हमारे हालात थोड़े से खराब होने वाले हैं बहुत ज्यादा क्योंकि अभी अभी मुझे बैंक से कॉल आई थी ये कह रहे थे कि सर माइकल साहब आपका जो है ना वो आ, जो है ना वो करैप्ट हो गया है उसको क्या कहते हैं आपका जो है ना लोन करैप्ट हो गया है और आप बैंक बैंक करप्ट हो रहे हैं तो उस वजह से आप जितना जल्दी हो सकते हैं बैंक पे चक्कर लगाएं और आके जो है ना वो अपना सारा सिस्टम सही करें क्योंकि बॉयज़ तुम लोगों को पता है कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर जो है ना मैंने अपना ये सारा इतना बड़ा लग्जरी किस्म का बिजनेस सेटअप किया ठीक है और बॉयज़ और उसके अलावा कभी सैंडी जा रहा हूँ कभी लॉस सेंटोज जा रहा हूँ कभी सैंडी शोज जा रहा हूँ कभी लॉस सेंटोज में फार्म हाउस ले रहा हूँ उस वजह से बॉयज नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया बहुत नुकसान हो गया जिसकी वजह से मुझे जो है ना वो माजरत के साथ बॉयज अपना जो फार्म हाउस था ना शहर वाला वो बेचना पड़ गया ठीक है वो सेल करना पड़ गया अब क्या करना है आगे कैसा फार्म हाउस बनाना है या आगे कौन सा घर लेना है यार ये एक बहुत बड़ा मसला है आ, ऐसा कर यार सादिक जी बाबा हुक्म करो माइकल साहब किधर जाना है सर गाड़ी निकाल लूँ हाँ हाँ ऐसा कर गाड़ी निकाल हम पाँच या दस मिनट तक निकलेंगे बैंक जाना है जी बाबा जो आपका हुक्म माइकल साहब चलो यार बॉय सादिक को तो कह दिया अभी ज़रा मैं शोरूम के हालात देखूं यार गाड़ियां तो बिक नहीं रही ठीक है और ये भी अभी तीनों की तीनों गाड़ियां खड़ी हैं यार अजीब सिचुएशन हुई हुई है पता नहीं शायद रमज़ान की वजह से लोग गाड़ियाँ नहीं ख़रीद रहे ज़्यादा जिमी की डील तो चल रही है इस बंदे के साथ मैंने आपको कहा है शर आप ले लें गाड़ी बेफिक्र हो जाए वीगो आपके लिए ये वाला रिवो बहुत बेस्ट है आप इस रिवो में कम्फर्टेबल रहेंगे चलो यार ये भी अपना बेचारा लगा पड़ा है फ्रेंकलिन की तरह फ्रेंकलिन आँडी आँडी सामक माइक्रो भाई कैसे हो वालेकुम असलम बात सुन यार क्या हुआ माइक्रो भाई यार बात सुनना हाँ जी हुक्म करो क्या हुआ यार फ्रेंकली एक मसला है हेलो गिराक सुन तो रहे हो यार बात तो सुन क्या हुआ बताओ परेशान लग रहे हो अबे यार एक मसला हो गया इधर आना साइड पे बताता हूँ क्या हो गया अबे इधर तो आना आ रो आ रहा हूँ रुको जरा हाँ क्या हुआ बताओ यार क्या कर रहे हो अबे बात सुन हाँ हाँ मेरी बात सुन बताओ अभी डो यार क्या कर रहे हो माइकल भाई बटा रहा हूँ अबे यार यार क्या कह रहे हो माइकल भाई बटा दो टेंशन हो रही है <laughs> सॉरी यार सॉरी सॉरी बॉयज तुम सबसे सॉरी यार अच्छा यार फ्रैंकलिन मसला ये हुआ है कि बैंक हो रहे हैं हम हैं बैंक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं वजह किस लिए हो रहे हैं वजन अबे यार इसलिए हो रहे हैं कि तुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके जो है ना एक सैंडी शोज में फार्म हाउस बनाया एक लॉस लोसोज में फार्म हाउस बनाया इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी ले ली जिमी की शादी की उस पर इतना पैसा लग गया और उसके अलावा जो है ना वो यार बड़ा पैसा लग गया यार मेरी बात सुनो हम तो ये सोच रहे थे कि ये पैसा सारा तुम अपने बैंक में तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे तुम वहाँ से निकाल निकाल लगा रहे हो अबे वही वहां से नहीं निकाल के लगा रहा था यकीन कर मैं बैंक से लोन लिया हुआ था मैंने ओए माइकल भाई तुम्हारा दिमाग खराब है यार तुमने लोन क्यों लिया इतना ज्यादा यार तुम्हारी अकल में बात नहीं आती अब तुम लोन कौन नहीं? अगर तुम लोन नहीं दोगे तो बैंक के शोरूम पर भी कब्जा कर लेगा और गाड़ियों साड़ियों पर भी कब्जा कर लेगा अबे यार यही तो मेरी टेंशन बनी हुई है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जुगाड़ शुगाड़ लगाओ गाड़ियां जल्दी से जल्दी बेचो और उसके बाद बैंक का पैसा उतारें ताकि भाई अपना शोरूम अपने नाम पे रहे यार माइकल भाई तुमने शोरूम के पेपर तो कहीं बैंक को नहीं जमा करवाए अबे यार फ्रैंकलिन करवाए हुए हैं और तो बेड़ा टाटे यार माइकल भाई क्या करते हो यार कसम खुदा की यार तुम क्या क्या इंसान हो यार अब अब क्या करेंगे हम अबे यार अब मुझे क्या पता है कि हम क्या करेंगे यार माइकल भाई कोई एक टेंशन जिंदगी में नहीं है तुम आ, तुम जो है ना जिंदगी को अजाब बना दिया तुमने अब मैं मैं अब क्या करूँ यार अब तू कुछ कर ना मैं क्या करूँ अब तू ऐसा कर तू ऊपर जा जरा तू भी गाड़ियाँ शाड़ियाँ सेल कर अच्छा चलो मैं डाटा हूँ चलो यार बॉयज अब बॉयज़ मैं यही कर सकता हूं यार अब यार मुझे क्या पता था बॉयज मैं तो अपनी तरफ से जो है ना वो फुल कर रहा था अब देखो वो सुजुकी की शिपमेंट मंगवाई हुई है तो बॉयज उस तरफ कोई बंदा नहीं जा रहा ठीक है लोग वो गाड़ियाँ ले ही नहीं रहे मैं क्या इसका हल क्या क्या प्रोसीजर इसका हल करूँ मुझे तो समझ से बाहर है यार कुछ करता हूँ किसी दोस्त से पूछ करता हूँ जरा कॉल शॉल करता हूँ ट्राइवर को पूछता हूँ क्या हालात हैं यार ये देखो सुजुकी की वैसी की वैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं हेलो वालेकुम हाँ हाँ माइकल कैसा है जानी यार मैं ठीक हूँ ड्राइवर तू बता हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ यार बस तबीयत ज़रा थोड़ी सी ख़राब है गले में दर्द शर्द है अच्छा 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 और तबीयत ज़्यादा ख़राब है बस यार ज़रा थोड़ा सा ना गला ख़राब है और कल रात अफ्तारी साथ ही की थी तो तब से ना वो खांसी आ रही थी हाँ 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 तुझे रात भी खांसी आ रही थी हाँ बस उसी लिए ना गला शला ख़राब है और तू बता कैसा है अब यार मसला हो गया यार ड्राइवर तुझे मैंने बोला था कि तू यहाँ पर मेरे पास लोस सेंटोज में यार ये जॉब कर ले ये सुजुकी की डीलरशिप संभाल ले यार माइकल दरअसल बात पता क्या है तुझे पता है मैं ज़मीनें शबीले अपनी वो संभालता हूँ और बल्कि तेरी ज़मीनों को भी अब मैंने टाइम देना था हाँ 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 तो इसलिए माइकल शहर आके मुझसे काम होगा नहीं इसीलिए मैं ज़रा सैंडी शोज़ में हूँ बाकी अगर तू इसार करता है तो फिर मैं आ जाता हूँ अच्छा चलो कोई नहीं चल ठीक है ठीक है कोई मसला तो नहीं है माइकल नहीं 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 सब ओके ओके ठीक है चलो ठीक है ओके करो अबे यार बॉयज़ अब क्या किया जाए भाई जो है ना ट्राइवर ये इसको भी मैं नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि ट्राइवर ट्राइवर जो है ना वो सैंडी शोज़ के कामों में बिजी है अभी खैर चलो छोड़ो अभी बैंक चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं क्या साहब है सादिक जी बाबा हुक्म करो माइकल साहब गाड़ी निकाल यार जी बाबा मैं निकालता हूँ माइकल साहब एक सेकेंड सर चलो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले गाड़ी निकालते हैं बिस्मिल्लाह चलो अब भाई आ जाओ माइकल साहब जी सर आजें हाँ हाँ रुका रहा हूँ जी जी सर आ जाए आ जाएँ माइकल साहब चल यार जी बाबा चलूँ माइकल साहब हाँ हाँ चल यार आ, सारे पहले किधर जाना है यार ऐसा कर सबसे पहले तो है ना बैंक जाना है जी माइकल सर मैं बैंक की तरफ गाड़ी मोड़ता हूँ हाँ हाँ चल चलो यार बॉयज अब बैंक जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है अल्लाह करे यार बैंक जो है ना वो हमारा काम कर दे और मुझे ज़रा थोड़ा सा और टाइम मिल जाए बॉयज़ क्योंकि अगर टाइम मिल जाएगा ना थोड़ा सा तो बॉयज़ फिर ज़रा सेट हो जाएगा बाकी बॉयज़ मैंने अपनी स्लेक्सिस के ऊपर जो है ना अपनी ऑफिशियल नंबर प्लेट लगवा ली है ठीक है और भाई नंबर भी अपना फेवरेट लगा लिया ठीक है तो बताओ मुझे कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में अब जरा लेक्सिस जो है ना वो अपने ज़रा टाइम पर यार दुआ करो जरा ना बैंक जो है ना वो हमें टाइम दे दे अगर बॉयज़ हमें बैंक टाइम नहीं देता तो बॉयज़ उस सूरत हाल में जो है ना वो हमें मसला बन जाएगा हो सकता है हो सकता है शायद फिर जो है ना हमें गाड़ियाँ तो ना बेचनी पड़े या गाड़ियाँ बेचनी भी पड़ सकती हैं या हो सकता है हमें जो है ना मैंने फ़िलहाल के लिए तो अपना जो शहर वाला फार्म हाउस था वो मैंने सेल आउट कर दिया और मैंने अमेंडा को और ट्रेसी को और अरूप को उनको मैंने फिलहाल के लिए जो है ना वो वो सैंडी शोज वाले फार्म हाउस में भेज दिया है कि आप लोग वहाँ पे रह लें अभी कुछ दिन तो जब तक हम ये सारा सेट कर लेते हैं काम फिर उनको जाके वापस ले आएंगे अभी जरा हालात थोड़े से इस तरह चल रहे हैं ना तो बस कुछ समझ नहीं आ रही मुझे भी कि मैं क्या अभी फिलहाल के लिए हल निकालूं। अगर तुम लोग के भाई कोई माइंड में अच्छा आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो आइडिया दो ताकि हम जो है ना अपने मसले का हल कर सके जी बाबा इधर माइकल सर इधर लगा रहा हूँ गाड़ी हाँ हाँ इधर ही लगा दे बस मैं थोड़ी देर तक आता हूँ जी बाबा आज जी रुक सर दरवाजा दरवाजा खोल यार जी 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 आ जाए बाबा आ जाए जी माइकल सर चल ठीक है तू इधर ही रुक मैं जो है ना अभी आ रहा हूँ जी माइकल सर मैं इधर इंतज़ार कर रहा हूँ सर यार फिर मैं आता हूँ ठीक है जी बाबा ठीक है माइकल सर चलो यार बॉयज़ अभी अंदर चलते हैं जाके बैंक में देखते हैं क्या हालात हैं भाई और हमारे लिए क्या जो है ना वो मुश्किल रेडी खड़ी हैं अल्लाह करे यार कोई बचत हो जाए बॉयज़ देखते हैं क्या सीन है अबे भाई बैंक मैनेजर किधर है अबे यार वो एक मेरा मैनेजर है दोस्त उससे जाके बात करते हैं अगर वो अवेलेबल हुआ तो यही है मेरे ख्याल से यहाँ बैठता है है नहीं यार मेरा ख़्याल रमज़ान है तो कोई नमाज शमाज पढ़ने गए होंगे यकीन चलो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ जब अब कोई मेरी हेल्प करो यार कोई मेरा मसला ठीक करो अब मैं तुम्हारे अलावा किसको को कहूँ यार अब इतना बड़ा इशू है अब तुमने ही सही करना है अरे यार माइकल मैं इन ठीक कर देता दरअसल माइकल तुम्हारे ऊपर लोड बहुत पड़े प्रे, प्रेशर बहुत पड़ गया है पीछे से हमारे पे प्रेशर बहुत है माइकल नहीं तो अब इसका हल क्या है देखो माइकल तुम्हारे ऊपर इस टाइम जो है ना वो चार करोड़ का कर्जा है ठीक है माइकल अब पहले तुम्हारे ऊपर कितना था अ, कितना कहते हैं मेरे ख्याल दस करोड़ का कर्जा था हाँ हाँ दस करोड़ था तो मैंने छः करोड़ जो है ना वो अपना फार्म हाउस बेच के ना मैंने कल ही जो, जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो अब चार करोड़ है शायद हाँ माइकल चार करोड़ तुम्हारे ऊपर ये कर्जा है ठीक है अब तुम चार करोड़ रुपया जो है ना वो अगर जल्दी जल्दी जो है ना वो पे नहीं करते ठीक है और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि तुम्हें जो है ना शायद तुम्हें तुम्हारा शोरूम जो है वो जब्त कर लिया जाए अबे नहीं यार मैं शोरूम जब्त नहीं करवा सकता हूँ रिजवान साहब आपको पता है शोरूम के ज़रिए ही मेरी रोज़ी रोटी चल रही है तो शोरूम की तरफ तो मैं जाने ही नहीं दे सकता हूँ और इसके अलावा मुझे मेरी बात सुन माइकल तुम्हारे पास कोई और घर वगैरह कोई ऐसी जगह और है तो वो सेल आउट कर दो कोई ज़मीन अगर ऐसी है तो वो सेल आउट कर दो अब यार ज़मीन है मेरे पास सैंडी शोज़ में लेकिन यार वो चार करोड़ की नहीं है वो तो मसे करोड़ की भी होगी करोड़ की होगी बहुत मुश्किल करोड़ की होगी तो फिर भी कर्ज़ा तो उतरेगा नहीं तो मैं अभी वो भी दे दूँ तो फ़ायदा तो उसका कोई नहीं है तो फिर तो माइकल जो है ना वो तुम मुश्किल में पड़ गयो अब तुम सोचो तुम क्या कर सकते हो क्योंकि माइकल मैं जो है ना अब तुम्हें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है तो अब तुम अगर परसों तक दो दिन तुम्हें मैं और मोहलत दे देता हूं हत्या कि मुझे तो पीछे से जो है ना वो ऑर्डर्स आए हैं कि आज के आज ही अगर तुम पेमेंट नहीं देते हो तो कल को तुम्हारा शोरूम सीज कर दिया जाए अबे यार कोई ख़ुदा का खौफ करो रिजवान साहब आपके मैंने इतने काम किए हैं मेरा यार कोई ये काम निकालो यार देखो माइकल मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ ऐसा मसला नहीं है मैं ताब आ मैं हाज़िर हूँ लेकिन पीछे से लौट बहुत है माइकल अबे यार अब मैं इसका क्या हल करूँ अब कुछ तो यार कोई वो आइडिया दे माइकल मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम ऐसा करो कि कुछ करो कुछ ना कुछ ज़रूर करो और गाड़ियाँ शाड़ियाँ बेशक सेल कर दो तो अबे यार हाँ ये आइडिया अच्छा है कि मैं गाड़ियाँ सेल कर सकता हूँ हाँ ना कुछ करो माइकल और कर्जा उतार दो ताकि तुम्हारा शोरूम सेफ़ रहे अगर तुम्हारा शोरूम पे बात आ गई ना तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी यार सही कह रहे हो तुम चलो ठीक है फिर मैं कुछ करता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा रिजवान साहब हाँ ठीक है माइकल मैं हाज़िर हूँ तुम्हारे लिए अब क्या किया जाए भाई अब तो टेंशन वाली बात बन गई है बॉयज़ अब क्या करें फिर बॉयज़ अब यही हाल है कि ऐसा करते हैं कि गाड़ियाँ सेल कर देते हैं चार करोड़ रुपया बैंक को अगर ना दिया ना तो यार लेक्सिस तो मैं सेल नहीं कर सकता आ, मेरे पास लेक्सिस के अलावा कौन सी गाड़ी है यार सोचूँ ज़रा रुको मेरे पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं चलो अभी फ़िलहाल बैठते हैं साधे गाड़ी निकाल जी बाबा मैं अभी निकाल लेता हूँ माइकल साहब एक सेकंड सर जी बाबा एक सेकंड आ जाए माइकल सर बैठे सर चल यार अच्छा सादिक बात सुन जी माइकल सर हुक्म करें सर मेरे लायक क्या हुक्म है सर यार हमारे पास घर गाड़ियाँ कौन कौन सी खड़ी हैं माइकल सर इस टाइम में है लैंड क्रूजर है और लैंड क्रूजर है और लैक्सिस है सर यार तो लैंड क्रूजर बेस्ट है कि लैक्सिस बेस्ट है बाबा ये तो माइकल सर आपको पता हो यार इधर गाड़ी लगा ना ज़रा साइड पर अच्छा माइकल सर एक सेकंड जी सर हो कम करें अब मुझे ये बता कि हमें ना बैंक को देने हैं पेमेंट तो हम क्या करें कौन सी गाड़ी सेल करें ये मुझे आइडिया दे माइकल सर मैं आपको मशवरा दूंगा सर लैक्सेस सेल तो करनी है तो कर दें सर लेकिन लैक्सेज का मज़ा अपना है सर लेक्स की बजाय सर लैंड क्रूजर सेल कर दें अच्छा लैंड क्रूजर सेल कर दूँ अच्छा वीगो भी तो खड़ा है मेरे पास वो रिवो खड़ा है रिवो सेल कर दूं माइकल सरे रिवो जो है ना वो इस टाइम डेढ़ करोड़ तक सेल होगा अबे मसला ये है ना कि गाड़ियां तो शोरूम की भी नहीं सेल हो रही तो मैं अपनी गाड़ियां किसको सेल करूं खैर ट्रेवर को रुको फ़ोन करता हूं ज़रा ऐसा कर सादिक ट्रेवर को कॉल मिला के दे जी बाबा मैं अभी मिला के देता हूँ एक सेकेंड रुक जा यार एक तो ये भी मसला है ना चलो असलम वॉइस भाई क्या हाल है मैं तुम्हारा अपना हैदर भाई आज तुम लोग हो गए हैदर भाई आप कहाँ हो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके हैदर भाई का घर सेट हो चुका है ये बॉयज़ आपके हैदर भाई ने नया घर जो है ना ख़रीद लिया यार ये एक ज़माने में माइकल भाई ने ख़रीदा था ठीक है लेकिन आज जो है ना आपके भाई ने अलहमदिल्ला ये ख़रीद लिया देखो चेक करो कितना खूबसूरत घर है ठीक है और भाई इसमें पूल शूल भी है और आज मैं तुम्हें अपने खान कज़न से भी मिलवाऊंगा अंदर से भी बहुत प्यारा है तुम लोगों को दिखाऊंगा सारा ठीक है और गैराज से राज गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं मेरी ठीक है अलहमद बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अपना वो किधर नजर आ रहा होगा यहाँ से वो देखो वो अपना रेस्टोरेंट यहीं से नज़र आ रहा है बॉय सामने खैर ये जो है ना मेरे ये कज़न की गाड़ी है खान की ठीक है निशान है यार ये कोई पता नहीं कौन सी है हमारा क्या हाल है तुम्हारा क्या करता है अबे ओ हेलो बात सुन हाँ कैसा है हमारा हम तो बिल्कुल ठीक है तुम सुनाओ कैसे हो यादर भाई यार क्या करता हो है? तुम सुबह इतनी देर से उठता है अबे यार मेरी बात सुन ना तू कोई काम शाम तो कर अब भाई हमारा जो है ना वो सीन खराब है माइक इसको क्या कहते हैं तुम्हारा नाम भूल जाता है हैदर हम जो है ना वो हमारा तुमको सच बताता है बड़ी मोहब्बत करता है तुमसे और हम जो है ना वो काम नहीं कर सकता है हम फारग रहता है बस तो यार तू पागल है तू फारग रहता है काम शाम कर ये गाड़ी का खर्चा कैसे उठाता है मारा हम तुम्हारे साथ रहता है ना तो तुम खर्चा दो अबे मैं क्यों खर्चा दूं तुझे पेट्रोल के पैसे मैं क्यों दूं तू मेरे साथ एक काम कर फिर चल मेरे साथ तू काम कर होटल पे रेस्टोरेंट पे ना मारा ना हम काम नहीं कर सकता है अबे यार अली गलत बात है यार देखिए ऐसे नहीं करते ना मारा हमारा असूल एक है अली खान जो है ना वो काम नहीं करेगा अली खान से मुफ्त रहेगा अबे यार अजीब है यार अच्छा मेरी बात सुन अब तू घर पे ही है ना मारा हम अभी निकल जाएगा अबे अब किधर निकल जाएगा मारा हम जो है ना हैदर अभी जो है ना वो जाएगा अबे किधर जाएगा भाई किधर जाएगा माड़ा अभी जो है ना हमने घूमने जाना है शहर देखना है सारा अभी तो हमारा टाइम काफी पड़ा हुआ है अभी हम मसरूफ बंद है माड़ा हम तुम्हारी तरह पारिक थोड़ी है अबे यार अच्छा मेरी बात सुन अफतारी से पहले घर आ अफतारी हम दोनों साथ करेंगे हाँ माड़ा अफतारी से पहले तो मैं घर आ जाऊंगा इनशाला तुम्हारे साथ करूँगा माड़ा चल ठीक है ओके मैं फिर निकल रहा हूँ तो बॉयज़ ये मेरी दो गाड़ियाँ हैं इस टाइम ये मेरी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है 2.8 ठीक है और ये देखो सिग्मा ई हाँ हमें पता नहीं है सिग्मा ई फोर है ठीक है तो बॉयज़ अलहमदिल्ला आपके हैदर भाई की लाइफ बड़ी सेट चल रही है शुक्र अलहमदिल्ला भाई गाड़ियाँ रखी हुई हैं दो ठीक है बजट के हिसाब से काम अच्छा चल रहा है जिंदगी अच्छी चल रही है घर तुम लोगों को एक दफ़ा ओवरऑल दिखा देता हूँ यार अली ये ए बंद कर अरे माड़ा हम सो रहा था तो हमने ए सी ऑन कर दिया था अभी बंद कर देगा अबे मैं बिल तेरे से लूँगा माड़ा हम तो रुपया भी नहीं देगा तुमको अबे यार एक तो ये पठान है ठीक है इससे लड़ भी नहीं सकता हूँ मैं ये चेक करो बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके हैदर भाई का अपना जाती नया घर ठीक है तो भाई आई होप तुम लोगों को ये घर पसंद आएगा ठीक है अच्छा भी लगा होगा यार देखो बॉयज मैं तुम लोग को बताता हूँ यार माइकल भाई जो है ना माइकल भाई के अब तुम लोग जाके माइकल भाई को मेरी शिकायत ना लगा देना अभी तो वो कौन सा इधर इर्द गिर्द है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार माइकल भाई के काम बड़े खराब है माइकल भाई ने ना पंगे ले लिए बड़े बड़े दस दस करोड़ का फार्म हाउस बना लिया है गाड़ियाँ भाई दस दस रख ली हैं अब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है बॉयज़ अपना सिंपल सा रूल है देखो सिंपल जिंदगी है और बस तुम लोग इन्जॉय करोगे हैदर भाई के जो वो सीन होंगे ना वो तुम इन्जॉय करोगे खैर अभी निकलते हैं आज जो है ना बॉयज़ मैं लेजेंडर नहीं लेके निकलूंगा मैं आज ये करोला लेके निकलूंगा अपनी ठीक है अबे यार ये तो लोक है माड़ा हमको ले जाओ हम तुम्हारे साथ जाएगा अबे नहीं नहीं तू अभी जा मैं जा रहा हूँ फिलहाल यार हैदर बात तो सुनो भाई मारा बात तो सुन अबे नहीं नहीं मेरी बात सुन मैं जा रहा हूँ अबे बात सुन हैदर यार एक तो तू भी ना क्या मसला है क्या हाँ बता यार तुम अपनी लेजेंडर की चाबी देता है हमको नहीं मैं नहीं देता हूँ तुम मेहरबानी मेरी लेजेंडर लजेंडर हाथ ना लाई माड़ा बड़ा ही कंजूस बंदा है तुम तो। चल जा जा निकल चलो बॉयज यार अभी निकलते चेक कर रहे हो वैस ये देखो बॉयज़ ये आपके हैदर भाई ने नई गाड़ी ली थी जरा सनरूफ बंद करने दो एह ऐह हण चेक करो सन रूफ बंद कर दिया लाइटे शाइटें देख रहे हो रुको जरा ये ये चेक करो बोएस जरा है सन रूफ देख रहे हो सन रूफ भी खुलता है ऊपर ऊपर जरा सन रूफ देखो खैर अभी निकलते हैं बॉयज और सीधे जो है ना अब ओ हो भाई वो हेलो 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 यार ये जो है ना बॉयज ये गाड़ी मेरी जो है ना बड़ी ही जो है ना ये मुझे बहुत प्यारी है बॉयज इंटीरियर इसका इतना खूबसूरत है ये देखो वॉक कर ओ हेलो अबे लड़की गिर गई अभी यार मैंने तो कहा चलो अभी मोहब्बत स्टार्ट हो जाएगी मेरी लड़की को मैं उठाऊंगा लेकिन नहीं चलो कोई बात नहीं खैर बॉयज़ अभी हम चलते हैं ठीक है सुकून सुकून से रियलिस्टिक सीन है यार बॉयज़ रियलिस्टिक गाड़ी चलेगी बाकी जो है ना सफ़र की दुआ मैंने इसमें लगा दी थी और अंदर ये गाड़ी के भाई शेर भी पड़ा हुआ है खैर इसको तुम इग्नोर मारो अभी यहाँ से हम जो है ना निकलते हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ ठीक है रेस्टोरेंट को जाके ऑन करते हैं आई होप थोड़े बहुत कस्टमर आए ज़रूर होंगे ठीक है और चलो भाई यार एक तो ये सन खुल जाता है ना मेरा अबे यार चलो अभी तो मेरे ख़्याल रेस्टोरेंट खाली है बॉयज नहीं यार कस्टमर आए हुए हैं रेस्टोरेंट पे चलो सही है यहीं पे गाड़ी लगा देता हूँ ठीक है सन बंद करने तो भाई मिट्टी जाएगी गाड़ी के अंदर गाड़ियों के अबे ये क्या हुआ है अबे यार ये क्या सीन था हाँ रुको रुको अब बंद हो गया शुक्र है यार बंद हो गया चलो ठीक है भाई चलो बॉय शुक्र है गाड़ी अपनी जो है ना वो लॉक हो गई लाइट है लाइटें अभी इसकी बंद हो जाएंगी थोड़ी देर तक ठीक है गाड़ियों के मामले में आपका हैदर भाई जो है ना बॉयज़ वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान रहने वाला बंदा है चलो अभी रेस्टोरेंट देखते हैं यार रेस्टोरेंट पर ना लोग नहीं है यार आज आज इतने ज़्यादा लोग नहीं है क्या मसला है अंदर भी अंदर हैं लोग आज अंदर काफ़ी लोग हैं चलो यार बॉय शुक्र अलहमदिल्ला अच्छी रोज़ी रोटी चल रही है बस जबरदस्त चल रहा है यार बॉयज़ रेस्टोरेंट का ना मैं सोच रहा था कि रेस्टोरेंट को थोड़ा सा ना मैं शहर के अंदर बनाऊं यार यहाँ पे ना रेस्टोरेंट पे लोग नहीं आते शायद समुंदर की वजह से लोग डरते हैं या क्या इशू है मुझे समझ नहीं आता तो मैं इसलिए सोच रहा था कि मैं रेस्टोरेंट जो है ना शहर में बनाऊँ किसी अच्छी जगह पर यह तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में आइडिया देना ठीक है बाकी बॉयज़ अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना वो बस निकलते हैं और मैं अभी ज़रा अकाउंट से अकाउंट चेक करता हूँ और फिर उसके बाद रात को अफ्तारी भी करनी है खान के साथ क्या हाल है माड़ा ठीक हो सब तुम्हारा जो है ना भाई मेरा नाम है अली खान ठीक है और आज के बाद मारा मैं जो हूँ ना तुम लोगों के लिए खान भाई हूँ ठीक है तुम लोग जो है ना मुझे खान भाई कह सकते हो अभी जो है ना अपन जो है ना अपनी शहज़ादी को जो है ना वो स्टार्ट करता है बॉयज ये गाड़ी जो है ना ये मैंने खरीदी थी आ, दो साल पहले खरीदी थी ठीक है लेकिन भाई ये गाड़ी मैं कराची से इंपोर्ट करके लेके आऊँ क्योंकि बॉयज ये मेरी फेवरेट गाड़ी है ठीक है ये चेक करो अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस शहर में जब से आया हूँ ना बॉयज तो मैंने तो देखा है यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं भाई ये हैदर के पास इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना अपनी गाड़ी चेंज कर लूँ तो माड़ा मुझे जो है ना वो कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ ठीक है तो फिर मैं जो है ना चेंज कर लूँगा गाड़ी क्योंकि पठान भाई के पास जो है ना वो अच्छी गाड़ी होनी चाहिए माड़ा तो इसलिए मैं अवै भाई अवै भाई इधर देखो एक तो जो है ना हमारा इस शहर की ट्रैफिक हमको समझ नहीं आती है अजीब ट्रैफिक है हमारा मेरा नाम जो है ना वो तुम लोग याद कर लो सारे मेरा नाम है अली खान ठीक है बॉयज तो मैं जो हूँ ना वो तुम लोगों का भाई हूं ठीक है कोई मसला ससला हो फा छा पड़े तो बुला लेना अली खान को मैं आ जाऊंगा बॉयज ठीक है भाई पापा अभी तक तो मेरी भाई आई नहीं है सेवनटी पता नहीं कब पाएंगी यार शायद तुम लोग कमेंट कर रहे थे कि यार हमजा को बाइक जो है ना दे दो थैंक यू सो मच यार तुम लोग जो है ना वो मेरे असल दोस्त तुम लोग ही हो यार यकीन करो अभी पापा से पूछता हूँ पापा पता नहीं किधर है भाई आइए बाह पापा हाँ भाई क्या हुआ क्या मसला हो गया अब हमजा पापा यार मेरी बाइक का कुछ कर दें यार यार तेरी बाइक का मैं क्या करूँ मैंने तेरे को बोला था कि हमजा अभी सबर कर जा ठीक है एक दो दिन तक तुझे बाइक ला दूंगा ना भाई अभी वो लड़का ले आएगा तेरी बाइक पापा यार ऐसे ही नहीं करो यार मेरी बाइक का कोई इंतजाम करवा दो आपने वादा किया था मैंने अपने दोस्तों वगैरह के साथ जाना है घूमने फिरने काम शाम जानी है आ, अच्छा चल फिर रुक जा मैं अब इसको कॉल करता हूँ वो ला देता है तू तब तक आराम कर ठीक है सुबह पेपर है ना तुम्हारा पापा मैं फिलहाल जो है ना अभी बाहर बैठा हूँ मेरी बाइक आएगी तो मैं अकेडमी जाऊँगा वरना मैं नहीं जा रहा हूँ यार जी मैं मैंने दोस्तों के साथ जाना है मैं क्या करूँ भाई अभी ना एक तो माइकल की कॉल्स आ रही थी बार बार जो है ना हमजा गीजर बंद कर दे पापा अच्छा बंद करता हूँ हाँ हेलो हाँ माईकल सलाम्कुम well, हाँ वालेकुम अस्सलाम ट्रेवर कैसा है यार हाँ माइकल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है आवाज़ बड़ी बुझी बुझी लग रही है अरे यार माइकल एक सॉरी ट्रेवर एक काम पड़ गया यार हाँ हाँ माइकल बता क्या काम है मैं हाज़िर हूँ बता हुक्म कर अबे यार ट्रेवर वो ना मैंने ना गाड़ी जो है ना कुछ गाड़ियाँ सेल करनी है एक तो रिवो सेल करना है और उसके अलावा एक जो है ना वो जी वैगन भी सेल करनी है तो मुझे ये बता कि कोई बंदे हैं जो वो फ़ौरन गाड़ियाँ खरीद लें माइकल मैं पता करवा लेता हूँ और देख लेता हूँ मुझे दो घंटे का टाइम दे दे अगर तू हाँ हाँ ठीक है तू दो घंटे ले ले लेकिन पता करवा यार चल ठीक है माइकल मैं मैं तुझे बताता हूँ ठीक है मैं सेल करवा देता हूँ हाँ यार वैसे खैरियत है अबे यार जरूरत पड़गी पैसों की अच्छा चल ठीक है माइकल मैं पता करवा के ना फिर तुझे बताता हूँ फिर सेल करवा देता हूँ चल करवा दे यार तेरा बड़ा मेहरबानी बड़ा आहसान होगा यार अरे नहीं माइकल क्या हो गया मेरी जान ऐसे नहीं किया मैं करवा देता हूँ टेंशन लेस हो जा चल ठीक है ट्रेवर ओके ओके माइकल चलो यार अभी जो है ना माइकल ने पहली दफा काम बोला अब इसका काम जो है ना ऐसा करता हूँ अनवर को कहता हूँ हेलो आ, 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 भाई क्या हाल है हाँ ड्राइवर भाई हुक्म करो अबे अनवर एक काम है हाँ हाँ हुक्म करो क्या काम है तू किधर है अभी मैं आ, मुझे बता तू किधर है अभी इस टाइम अबे बाहर करो तुम्हारे घर के चल आ रहा हूँ रुक जा सबर कर

आपको पता है फिर घंटा अच्छा, तो लगेगा लगेगा। हाँ, ले, ले लेकिन करवा दे यार तुझे पता है अर्जेंट है ठीक है कब तक कर देगा मैं गाड़ी मंगवा लू हाँ अब रिवो मंगवा लो बाकी कर लेते हैं कोई मसले की बात नहीं है ड्राइवर भाई चल ठीक है फिर चलो ओके करो ठीक है अच्छा यार वो उसकी बाइक तो लिया हमजा की यार वो मैंने कहना था वन टू फाइव ले दू अब फाइव नहीं ओ यार टू फाइव ले दो बच्चा यार याशी करेगा अबे नहीं तो सेवन ला के दे यार, वो बिगड़ जाएगा खराब हो जाएगा अच्छा चलो ठीक है फिर ला देता ठीक है अच्छा बॉयज चलो आज के एपिसोड यहीं पे खत्म कर रहे हैं ठीक है और मिलते हैं तुमसे कल के एपिसोड में आई होप अपना ख्याल रखना लव यू करना फुल सब्सक्राइब लाजमी है शेयर लाजमी है अपना ख्याल रखना ठीक है और मिलते हैं कल दो बजे